मैं डॉक्टर शशिकांत सिंह, बीए सिक्स सेमेस्टर, प्राचीन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए सुमेरियन सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। सुमेरियन समाज तीन वर्गों में विभाजित था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के अंतर्गत राजा और राज परिवार के सदस्य तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारी और पुरोहित आते थे। पुरोहित वर्ग में विद्वान, ज्योतिषी और राजवैद्यों की चर्चा की जाती है। मध्यम वर्ग में व्यापारी वर्ग था, जिसमें शिल्पी भी थे, जुलाहे भी थे, कुंभकार भी थे और वस्तुओं का क्रय विक्रय करने वाले व्यापारी भी आते थे। निम्न वर्ग के अंतर्गत दास और सर्प थे। यह श्रमिक वर्ग था, जो दैनिक रूप से मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। सुमेरियन समाज की जो यह व्यवस्था थी, उनका यह जो सामाजिक वर्गीकरण था, वह उनके दंड निर्धारण में भी दिखाई देता है। दंड का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रखा जाता था। जैसे यदि उच्च वर्ग द्वारा कोई अपराध किया जाता था, तो उसका दंड अधिक होता था। मध्यम वर्ग द्वारा कोई अपराध किया जाता था, तो उसका दंड कम होता था। और निम्न वर्ग द्वारा अपराध किया जाता था, तो उसका दंड उससे भी कम होता था। जैसे यदि किसी उच्च वर्ग की हत्या साधारण वर्ग द्वारा की गई और साधारण वर्ग की हत्या निम्न वर्ग द्वारा की गई, तो यह जो है क्रमिक रूप से गुरुतर अपराध माना जाता था और दंड का निर्धारण भी इसी के अनुसार किया जाता था। धनी वर्ग को दंड अधिक मिलता था, क्योंकि यह समझा जाता था कि उसे सारी जानकारियां हैं और समाज का तथा प्रशासनिक दायित्व उसके ऊपर निर्भर करता है। सुमेरियन समाज में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी, यद्यपि पति पत्नी के जो संबंध थे, उसमें पितृसत्तात्मक सत्ता दिखाई देती है। पत्नी को पति के अधीन रहना पड़ता था, लेकिन वह कुछ मामलों में प्राचीन काल की अन्य सभ्यताओं से तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर स्थिति में थी। जैसे दहेज में मिली हुई वस्तु पर वधू का अधिकार था, वह उसका स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकती थी। वह पति के व्यापार से स्वतंत्र व्यापार कर सकती थी, लेकिन पति को पत्नी और पुत्र को बेचने तक का अधिकार प्राप्त था। ऐसा हमें सुमेरियन साहित्य से जानकारी मिलती है। हमें यह पता चलता है कि पिता अपने पुत्र को, जो बालक थे, अधिकार विहीन थे, उन्हें वह त्याग सकता था, बेच सकता था तथा नगर से निकाल सकता था। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि सुमेरियन समाज में स्त्रियों की दशा मिलीजुली रही है। जो सुंदर लड़कियां होती थीं, उन्हें मंदिरों में देवदासी के रूप में रखा जाता था और उन्हें मंदिरों की सेवा करनी पड़ती थी। देवदासी बनना सुमेरियन समाज में हीन कार्य नहीं समझा जाता था। जब परिवार की किसी लड़की को दासी बनाया जाता था, तो उस समय एक उत्सव मनाया जाता था और उसके विवाह के अवसर पर दहेज में दिया जाने वाला जो भी सामान होता था, उसे
दासी बनते समय समर्पित किया जाता था। ऐसा लगता है कि सुमेरियन समाज में भी देवदासी बनने के पीछे एक परंपरा रही होगी, और संभवतः वह यह कि देवदासियाँ अपने नृत्य, गीत, संगीत और सेवा भाव के द्वारा परम पूज्य देवता को प्रसन्न करती रहेंगी, और जब देवता प्रसन्न होंगे तो वह अपने उपासक को उसकी इच्छा के अनुरूप फल प्रदान करेंगे, जिससे उपासक को देवताओं के प्रति अपने श्रद्धा भाव को व्यक्त करने में, अपने विश्वास को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी, और जनता में देवता के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा। सुमेरियन सभ्यता में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। उनका शाकाहारी भोजन मुख्यतः गेहूं और जौ पर आधारित था। इसके अतिरिक्त वह दूध और घी का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि गेहूं और जौ की खेती किए जाने का प्रमाण मिलता है। पशुओं में गाय उनका मुख्य पशु था, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उनके खाद्यान्न में, भोजन में दूध और घी प्रमुखता से शामिल था। मांसाहारी भोजन में मछली, बकरे और भेड़ के मांस का प्रयोग करते थे। हमें तालाबों में मछली पाले जाने का प्रमाण मिलता है, तथा भेड़ और बकरी पालन की भी जानकारी मिलती है। सुअर भी वह पालते थे। भोजन के बाद वस्त्र और आभूषण की जहां तक बात है, सुमेरियन साहित्य से हमें यह पता चलता है कि उच्च वर्ग की स्त्रियों की अपेक्षा निम्न वर्ग की स्त्रियों का वस्त्र और आभूषण साधारण था। वह साधारण जीवन जीती थीं, जबकि उच्च वर्ग की स्त्रियां विलासिता का जीवन व्यतीत कर रही थीं। वह विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती थीं। इन आभूषणों में कंठाहार, कर्णखोल, अंगूठी तथा हाथ में पहने जाने वाले कंगन का प्रयोग होता था। प्रोफेसर गुली महोदय को रानी शुभ अध की समाधि से एक प्रसाधन पेटिका मिली हुई है। उस प्रसाधन पेटिका से हमें सौंदर्य किए जाने के विभिन्न उपकरण प्राप्त होते हैं। वहीं से रानी की एक अंगूठी मिली हुई है, सोने की, जिसमें नीलम जड़ा हुआ है। गालों की लाली बढ़ाने के लिए एक चम्मच प्राप्त हुआ है, तथा भौहों से अतिरिक्त बाल निकालने के लिए एक चिमटी मिली हुई है। इन सारी वस्तुओं से यह प्रमाणित होता है कि सुमेरियन निवासी सौंदर्य प्रसाधन पर विशेष ध्यान देते थे। पुरुष वर्ग लुंगी पहनता था, ऊपर उसके वस्त्र नहीं होते थे, शरीर का ऊपरी भाग अनावृत होता था। जब तक वह अपने घरों में रहते थे, इसी प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग सामान्यतया करते थे, लेकिन जब कभी भी वह घर के बाहर जाते थे तो लुंगी के अतिरिक्त ऊपर भी गले तक के वस्त्रों को धारण करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुमेरियन समाज किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था,
उनका सामाजिक वर्गीकरण उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित था। सबके अपने अलग अलग अधिकार और कर्तव्य थे। पति पत्नी, स्त्री पुरुष, बच्चे, पुत्रियां, सबके अपने अधिकार और कर्तव्य थे। अगर हम सुमेरियन सभ्यता को सिंधु सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनके समाज में और सिंधु समाज में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने समकालीन सभ्यताओं में सुमेरियन सभ्यता में उनके समाज की स्थिति काफ़ी अच्छी दशा में थी। बहुत बहुत धन्यवाद।